डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पहाड़ लाइफ चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछली वीडियो में मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, तो अब मैं ईयरफोन का यूज़ कर रही हूँ जिससे आवाज़ की कमी पूरी हो जाएगी। मैं अभी अपने घर की सीढ़ी में बैठ रखी हूँ और मौसम आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत ही डरावना है। बारिश का मौसम बना हुआ है, चारों ओर कोहरा छा रखा है और मैं जा रही हूँ नीचे अपने गांव की रोड तक। तो चलिए वहीं से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं सलोनी गुसाई उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल की इन हसीन वादियों से, जहाँ न केवल सुंदरता है बल्कि शांति का अनुभव भी है, और यही शांति मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। और ये है हमारे गांव की रोड, जिसे बने हुए लगभग 4-5 साल हो गए होंगे। जब से लॉकडाउन हुआ तब से यहाँ बहुत सारी दुकानें खुली, उससे पहले यहाँ एक भी दुकान नहीं थी। कुछ दुकानें रोड आने की वजह से खुली हैं। और ये यहाँ का आलीशान घर, गांव के बीच एक शहर बस रहा है। ये कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पर 10-11 दिन सीखने आए थे। उन्होंने कहा था सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट तो दिया नहीं। ये है हमारे एरिया का पहला रेस्टोरेंट, गढ़वाली गुसाई फास्ट फूड। इस जगह का नाम तिबारी है, जहाँ पर ये 4-5 घर दिख रहे हैं आपको। ये वाली जो रोड है ये टिपरी से स्टार्ट होती है और कांडीखाल टच होती है, जो जहाँ से श्रीनगर जाया जाता है। जब ये रोड नहीं थी ना, तो हमें नीचे गडोलिया से पैदल चढ़ाई पर चढ़नी पड़ती थी। यहाँ तो लगातार बारिश भी होते जा रही है, लेकिन गर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश से ठंड तो नहीं, लेकिन सड़कों का नुकसान बहुत हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे सड़क भी धंसने लगी है। हम अभी अभी ऊपर रोड से आंगनबाड़ी की राशन लेकर आए हैं यहाँ स्कूल में, जो 2-4 महीने के बच्चों को मिलती है, गुड़ चने वगैरह। और ख़ास बात यह है कि ये स्कूल मेरा बचपन का स्कूल है। मुझे आज भी याद है, जब सर्दियों का टाइम होता था तो हम नीचे छत में बैठा करते थे और यहाँ पर हम खाना खाया करते थे। यहाँ पर एक नल होता था जो अब नहीं है, यहाँ खाना बनता था। ये यहाँ पर टिहरी झील का मनमोहक दृश्य, ये देखिए यहाँ से मेरा घर कितना दूर दिखता है। ये यहाँ पर भी हमेशा टूटता ही रहता है। ये काफल के पेड़ बहुत कम आते हैं इन पे काफल, क्योंकि इनके मालिक तो घर रहते नहीं हैं। आज की वीडियो इतनी ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।